हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो गई थी हमारी तकरीबन 8:30 बजे के आसपास, 8:30 9 बज गए थे। तो हाँ, 8:45 बजे हुई थी। तो सबसे पहले मेरे को एक राइड आई थी, जो थी राइड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की, और राइड थी 19 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया ऊबर ने, ये राइड ऊबर में थी, 281 रुपये, आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैंने इसको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ा, तो मेरे को एक राइड आई जो थी सेक्टर 49 गुड़गांव, जो किलोमीटर थे 38 किलोमीटर, जिसका मेरे को दिया 444। और समय लगा इसमें 1.25 घंटा। अभी हूँ मैं सेक्टर 44 में और सेक्टर 49 में यहीं खड़ा हूँ। समय हो चुका है 12:15 बज गए। अभी खाना वाना खा के और जब ड्यूटी स्टार्ट करेंगे, हालांकि डिवाइस ऑन है, आगे तो लेके चल पड़ेंगे, बाकी अभी खाना वाना खाते हैं फिर बताते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानकारी देंगे कि जिसको नहीं पता, हमारा जैसा 30-डे चैलेंज का आज है 21वां दिन है, शायद 21-22वां दिन। तो हम उसमें बताना चाह रहे हैं कि भाई पूरे महीने में एस्टिमेटेड अर्निंग कितने की होती है, क्या 1 लाख रुपये बंदा कमा सकता है, और 1 लाख रुपए अगर महीने में कमा भी सकता है उसमें बचता कितना है, सब कुछ खर्चे वर्चे काट के उसमें बचता कितना है। तो आज का हम बताएंगे, आज कितना खर्चा कट के कितना बचा हमें, कितनी गाड़ी चली, और महीने का जैसे ही कंप्लीट होएगा तो उसमें सारी जानकारी देंगे कि महीने में हमको कितना बचा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, तभी हूँ मैं टर्मिनल वन, वहाँ से एक राइड आ गई थी मेरे को। राइड थी 24 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 251 रुपये प्लस 100 रुपये MCD टोल। काफ़ी देर गुड़गांव में घूमते घूमते हो गई थी, तो फिर जाके एयरपोर्ट की राइड मिली, मैं कहा भैया लपक लो। तो अब यहाँ से देखते हैं। तो गाइस, अभी हूँ कश्मीरी गेट बस स्टैंड, वहाँ से मेरे को एक राइड मिल गई थी एयरपोर्ट से, जो थी इसकी ISBT की, और राइड थी हमारी एयरपोर्ट से, एक्चुअली कम फेरी देते हैं, 24 किलोमीटर की राइड थी, जिसका मेरे को दिया 227 रुपये, और इसे छोड़ने में भी ये लगा लो 1 घंटे के आसपास ही लगा, क्योंकि काफ़ी देर मैं एयरपोर्ट पे खड़ा रहा, नहीं मिली कोई, तो मैं कहा चलो जो भी मिल रहा भैया उठा लेते, अब आके यहाँ खड़े हो गए। तो भाई अभी एक राइड आई थी मेरे पास, और अभी एक और आ रही, भैया 7 किलोमीटर से उठा के लाओ और 7 किलोमीटर शॉर्ट करो, देखो क्या बकवास है ये। तो राइड की लोकेशन जो दिखा रही थी, ये राइड की जमुना के बीच में से, बिल्कुल जमुना के बीच में से। भाई कॉल करी मैंने कस्टमर को, कह रहा अब देखो अभी भी लोकेशन दिखा रहा ना, ए देखो जमुना के बीच में, तो बिल्कुल। अब मैंने कस्टमर को कॉल करी कि भाई राइड बुक करी थी, अरे भैया तुम मुझे परेशान कर रहे हो, 2 बजे से परेशान कर रहे हो, और मैंने कोई राइड बुक नहीं करी, मेरे को राइड का पता भी नहीं पता कि कैसे बुक होती है, गाड़ी कैसे बुक होती है, मेरे को ये भी नहीं पता। ये मैं कहता तो नंबर मेरे पास कैसे आया, क्या हमें नहीं पता, भैया कैर कैंसिल कर दी। मेरे को लगा कहीं जो बेचारे जमुना में ऑलरेडी जा चुके हैं उसने बुक कर दी गलती से। तो यार ये है, लोग बाग मजे लेते रहते हैं ना, ऑल ओवर वालों की कंडीशन ऐसी है, लोग बाग मजे लेते रहते हैं इनके। अब चले भैया। तो गाइस, अभी हूँ मैं अपोलो जसोला, आपने देखा मैं था मजनू के टीले पहुँच गया था कश्मीरी गेट बुकिंग छोड़कर, मजनू के टीले से फिर मेरे को एक राइड आई अपोलो सेक्टर 26 नोएडा की। तो मैं लोकेशन पर पहुँचा, पहुँचने के बाद कस्टमर कह लगा भाई मेरे को तो जाना था अपोलो जसोला, तो मैं कह लगा सर लोकेशन तो आपकी यहाँ की है, कह रहा यार अब इसको कंप्लीट कर दो, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, उसका बिल आया 27 किलोमीटर का, उसने मेरे को दिया 277 रुपये प्लस 120 रुपये मेरे को टोल मिल गया, और इसमें छोड़ने में लगी 5 मिनट, वो 50 मिनट। तो जैसे ही मैं फिर उसको छोड़ा, मैंने डिवाइस को कर दिया था ऑन, मैं कहा भाई, वो कह लगा मैं दोबारा बुक कर रहा हूँ, आई भी थी दोबारा भी उसका रिमाइंडर मेरे पास आ गया जैसे वो बुक कर रहा था, फिर मैंने उसे बोला, मैंने वो उठाई नहीं, दूसरे की बुकिंग आ गई उस एक्सेप्ट होगी, वो कह रहा भैया आप ही छोड़िए, मगर ठीक है इसमें जितना फिर ऐसा दिखा रहा है वो दे देना,
12 किलोमीटर था वहाँ से, उसने 300 रुपये फेर दिखा रहा था, 300 रुपये उससे ऑफलाइन ले लिए भैया और उनको ला के यहाँ छोड़ दिया। अगर मैं उसको एड्रेस चेंज करवा लेता इधर का, वहाँ से एड्रेस चेंज करवा लेता तो ये राइड दिल्ली से दिल्ली की हो जाती। मैं यूपी में गया, 120 रुपये मेरे को वो दिए, वो नहीं मिलते। मैं दिल्ली में आता, 100 रुपये वे नहीं मिलते। तो इसलिए मैंने बोल दिया, मैं कहा सर इसी को तो क्लोज करो, अब दोबारा बुक कर लो। बुक करने के बाद फिर ऑफलाइन में खुद ही ले आया उसको। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की आ रही है। तो गाइस आपने देखा, मैं था जसोला, जसोला से मेरे को एक राइड आई जो सेक्टर 99 की थी। राइड थी 16 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 274 रुपये, अच्छा फेर दे दिया। और एक और खुशी की बात, इसने इस राइड में भी मेरे को 120 रुपये यूपी टोल दे दिया और राइड का फेर 274 रुपये। तो इस राइड में भी मेरे को 120 दे दिया। तो चलो बड़ी अच्छी बात है। अभी समय हो चुका है 7:30 ही बजने वाले हैं अभी जी, और तबीयत हो गई है ख़राब बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा 10-5 मिनट रेस्ट करूँगा, उसके बाद डिवाइस ऑन करूँगा सीधा घर के लिए। क्योंकि पहले हल्का पुल्का बुखार था, मैं कह चल चल जाएगा, अब बुखार बढ़ चुका बहुत तेज, तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो निकलता हूँ फिर अब जा, तकरीबन आधा घंटा। तो गाइस घर आ चुका हूँ मैं, आपने देखा मैं था नोएडा, पहले वहाँ दवा वाली क्योंकि तबीयत हो गई थी ख़राब, फिर थोड़ा सा कुछ दवा होकर ले कर कुछ बेटर हुआ। तो फिर मेरे को एक राइड मिल गई थी जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की थी। राइड थी 26 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 327 रुपये प्लस 100 रुपये MCD टोल, आप देख सकते हैं। फिर जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा, थोड़ी देर मैंने वहाँ इंतज़ार करा, फिर मेरे को एक राइड आई जो थी घर की लोकेशन की, और राइड थी 22 किलोमीटर की, जिसका मेरे को दिया 245 रुपये। तो अब आ चुके घर। काम की बात करें, आज ओनली ऊबर में हमारा काम, इसमें काम हुआ है ऊबर में ही, तो 2329 रुपये का हमारा काम ऊबर में हुआ है, ऊबर में ही हुआ, बल्कि 2329 रुपये का। और टोल है हमारा 540 रुपये का, 540, और ये हो गया हमारा 3870 रुपये का। तो 3870 रुपये का काम हुआ। CNG की बात करी जाए तो CNG तकरीबन हमारी भुगी, एक सिलेंडर था तकरीबन ही नहीं 2870 रुपये हुए, मैं 3800 कह रहा, 2870 रुपये। और CNG भुगी हमारी तकरीबन 700 रुपये की। तो और समय की बात करें, 10 बज गए हैं और डिवाइस ऑन कर दिया था करीबन 9:45, तो वही 13-13.5 घंटे का काम रहा, काम डाउन था। और पता नहीं, ओला तो बिल्कुल सरेंडर करे पड़ा है, ओला में पता नहीं क्या हो रहा है, आवे अभी तो कोई 150 की आवे, मुझे लग रहा है जयपुर वाली राइड देकर थक गया वो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।